मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अन्न उत्सव योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत आज प्रदेश भर में 25 लाख गरीबों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया। वहीं आने वाले दिनों में अन्य 12 लाख हितग्राहियों को पर्ची बांटी जाएगी। सीएम शिवराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज का दिन मेरी जिंदगी का खुशी का दिन है। मेरा आज एक संकल्प पूरा हो रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मैंने 37 लाख ऐसे परिवारों को ढूंढ निकाला है जिन्हें आज से राशन मिलना शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राशन वितरण में कोई गड़बड़ी की जाएगी तो गड़बड़ी करने वाले को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, लेकिन अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज का दिन उन गरीब बहनों और भाइयों के लिए जो वास्तव में थे तो गरीब, लेकिन पात्रता पर्ची नाम मिलने के कारण वो राशन से वंचित थे, उनके जीवन में आनंद और प्रसन्नता का दिन है। कई बार जब हम जाते थे तो कई गरीब भाई बहन आवेदन देते थे कि उनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, राशन नहीं है, और हमने पूरे प्रदेश में सर्वे किया। ऐसे लगभग 37 लाख परिवार निकले, 37 लाख लोग निकले 12 लाख परिवार के, जो गरीब होने के बावजूद भी राशन से वंचित थे। हमने योजना बनाई और उन सब लोगों को पात्रता पर्ची देने का फैसला किया। लगभग 25 लाख ऐसे गरीब भाई बहनों तक पात्रता पर्ची पहुंचा चुके हैं हम, 12 लाख के पास जल्दी पहुंचा देंगे। इनमें 5 लाख वो भाई बहन भी है जो लॉकडाउन के दौरान बाहर के प्रदेशों से आए, उनमें से आज 25 लाख भाई और बहनों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और 1 रुपया किलो नमक, प्रति व्यक्ति 5 किलो ये दोनों प्रारंभ किया गया है, नमक 1 किलो। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है सितंबर तक 5 किलो इसके अतिरिक्त मिलेगा और 1 किलो चने की दाल, तो इससे भोजन की आवश्यकता पूरी होगी। अब वो रोटी की तरफ से निश्चिंत रहेंगे और उनका जीवन सरल और आसान होगा। हम लोग काफी पहले से इस पर काम कर रहे थे, बीच में व्यवधान आया, लेकिन इस योजना को आज प्रारंभ किया अन्न उत्सव के रूप में।